बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम केसरी के बारे में। वे एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने फल बाग लगाकर अपनी तकदीर और पूरे गांव की तस्वीर ही बदल डाली। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के लिए कई सुविधाओं के लिए ले सकते हैं अनुदान। राज्य के ग्रामीण बकरी मुर्गी और सुकर पालन के लिए ले सकते हैं आर्थिक मदद। ऊल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। मछली पालन के विकास के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बायोफ्लॉक तालाबों के निर्माण के लिए 14 लाख रुपए, मध्यम आरएएस यानी रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए 25 लाख रुपए, छोटे आकार के आरएएस के लिए 7.5 लाख रुपए, आइस बॉक्स सहित ई रिक्शा के लिए 3 लाख रुपए में 60% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नीति के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सुकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बतख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें एसटी एससी दिव्यांग विधवा और निसंतान दंपति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभों को 75% अनुदान देने का प्रावधान है। किसान भाइयों, गेहूं के भंडारण से पहले गेहूं के दानों को तैयार कर लें, यानी भंडारण के अनुकूल बना लें। इसके लिए गेहूं की नमी को कम करें। नमी को कम करने का सबसे आसान तरीका है गेहूं को धूप में सुखाना। गेहूं के दानों में अधिक नमी रहने के कई खतरे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे दानों में फंगस यानी फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावे नम दानों में कीटों का भी खतरा रहता है। इन बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षित भंडारण के लिए भंडारण से पहले गेहूं के दानों को 10 से 12 दिन तक धूप में जरूर सुखाएं। देखिए किसान भाई, गेहूं के भंडारण के लिए दो बातें प्रमुख है। एक तो है कि गेहूं के दाने को भंडारण के लिए तैयार करना। तो तैयार करने के लिए क्या है कि गेहूं के जब आप निकाई गुड़ाई मड़ाई कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब मड़ाई कर लेते हैं, दाने को अलग कर लेते हैं, तो उसको धूप में कम से कम 10 से 12 दिन तक धूप में सुखाएँ उसको। और सुखाने से तात्पर्य यह है कि उसके अंदर जो नमी है वो कम से कम बचे। तो जितना कम से कम नमी बचेगी, दाना उतना ही अच्छा होगा भंडारण के लिए। किसान भाइयों, आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा है तो वर्तमान तिथि से मई तक ओल फसल लगा सकते हैं। झारखंड में ओल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा लगाएं। किसान भाइयों, ओल की बुआई के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास और 40 सेंटीमीटर गहराई वाला गड्ढा खोदें। इसमें आधा किलोग्राम वजन वाले ओल के टुकड़े यानी बीज को लगाएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम और श्री पद्मा की उत्पादन क्षमता औसतन 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये पीतल, अन्य धातु या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें हवा का दाब नहीं बनता है। दवा छिड़कने के लिए लगातार पंप लीवर को चलाना पड़ता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में बंधक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या जैविक विधि अपनाएं। किसान भाइयों, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें।
एक एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे दो बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है। कितने मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं, इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी। तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ। हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ, बाबा आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए। नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे पुरुषोत्तम केसरी जी की। पुरुषोत्तम केसरी एक पढ़े लिखे युवक थे जो रोजगार के लिए बाहर गए थे। बाहर रोजगार भी करते थे और उनका अनुभव कुछ खट्टा मीठा सा रहा। फिर उन्होंने वापस अपने गांव का रुख किया। गांव का रुख करने के बाद उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रोजगार कैसे हो और लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने फल बाग की योजना बनाई और फलबाग की योजना बनाने के बाद उस पर कार्य करना शुरू किया। नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया, नए लोगों से मिलकर जब उन्होंने फलबाग की तैयारी की और फलबाग लगाया तो अब लोग देखकर वाह वाह तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस गांव से पलायन भी रुक गया है। यकीन नहीं होता, चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं कि फलबाग लगाकर पुरुषोत्तम केसरी ने कैसे पूरे गाँव की तकदीर और तस्वीर बदल डाली है। कृषि के नए नए आयाम ढूंढते हुए हम आज आ गए हैं तोरपा के तुरीगढ़ा में और यह मरचा पंचायत में आता है। यहाँ पे हम वैसे लाभुक किसान से बात करने आए हैं जो पहले कर्नाटका और बेंगलोर में कार्य करते थे और किसी कारणवश वहाँ से कार्य छोड़कर यहाँ आ गए और विस्तृत रूप में यहाँ खेती करने लगे। इस क्षेत्र की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे पथरीले और चट्टान नुमा खेत हैं, लेकिन अपनी अथक मेहनत और परिश्रम के बदौलत इन्होंने आम बागवानी किया है, साथ ही साथ बटेर पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं और आज तकनीक का प्रयोग करते हुए अच्छी खेती कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आए थी कि वहां से यहां आए और वहां से यहां आने के बाद इनकी सफ़र में क्या कुछ कठिनाइयां आई, सफ़र का आज समाधान क्या निकाला है ये जानने की कोशिश करेंगे। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में अच्छी खासी आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी है। लोग मेहनत का शहर बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। परिवार से दूर रहने का दंश और आजीविका के लिए भटकाव बहुत सारे युवकों को वापस अपने गांव में खींच लाया। अब ये खेती बाड़ी से जुड़ गए हैं और अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। अनिल टोपनो एक ऐसे ही युवक हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और ITI से वेल्डिंग का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। पहले वे
उड़ीसा के झारसुगड़ा और बाद में कर्नाटक में मजदूरी की, लेकिन वापस तोरपा लौटकर बागवानी और मुर्गी पालन तथा बटेर पालन का काम शुरू किया। उनके पास कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर है जिससे वे जुताई का काम करते हैं और खाली समय में माल ढुलाई का भी काम करते हैं। 3 साल पहले उन्होंने आम के 240 पौधा लगाया था, अब इससे उन्हें मुनाफा मिलना शुरू हो गया है। सर, मेरा पढ़ाई तो ITI है, ITI किया हुआ हूँ और +2 है। ITI करने के बाद मैं झारसुगुड़ा वेदांता में काम करता था, झारसुगुड़ा। वहाँ हेल्पर का काम करता था। उसके बाद वहाँ से चले जाने के बाद मैं कर्नाटका चला गया। वहाँ यहाँ थोड़ा पैसा कम लगता था इसलिए कर्नाटक चला गया। वहाँ क्रेशर मशीन चलाता था मैं। क्रेशर मशीन 2 साल तक चलाया मैं, 2 साल। घर में मजबूरी वही है कि घर भी मेरा अकेले है तो माँ भी अकेली है, इसलिए उधर तो घर तो आना ही था। यहाँ आने के बाद मैं मुर्गी पालन, बटेर पालन, वेल्डिंग का हुनर है वो भी साथ में चलता है और एक ट्रैक्टर भी है साथ में। एकड़ तो मालूम नहीं है लेकिन आम का पौधा है 240 पौधा। बागवानी के साथ साथ अनिल को बटेर पालन से लाभ हुआ है। उन्होंने कहीं से भी बटेर पालन का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है, बावजूद इसके सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारियों से वे सफलतापूर्वक बटेर पालन कर रहे हैं। बच्चा मैं औरंगाबाद से लेके आता हूँ, फिर जहाँ तहाँ कटर है उसे संपर्क करके वहीं दे देता हूँ। इनकम का उतना अंदाजा तो नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम है मेरा भी। एक बटेर का 13 रुपया खर्च पड़ जाता है घर पहुँचने। बिक्री में जो घर आता है उसके लिए 50 रुपये से देता हूँ और जो बाहर लेके जाता हूँ तो 60-65 रुपये में दे देता हूँ। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। देखभाल तो कोई खास तो नहीं है, सिर्फ 4 दिन अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, उसके बाद तो छोड़ भी दीजिएगा तो चलता है। जिसको जानकारी है वो लोग घर ही आके ले जाते हैं, जिसको जानकारी नहीं है उसको तो देना पड़ता है जानकारी। अनिल अपने काम और कमाई से खुश हैं। वे मानते हैं कि गांव में आजीविका मिलने से वह खुद को बंधन मुक्त महसूस करते हैं। अपने काम में कमाई है, स्वतंत्रता है और मनोरंजन भी। नहीं, खुश तो मैं घर पे ही हूँ, इसलिए खुश हूँ कि कर्नाटका में था तभी मैं किसी के बंधन पे रहता था और अभी यहाँ के आने के बाद जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरा मनोरंजन का मनोरंजन है और स्वतंत्र का स्वतंत्र और फिर पैसे का पैसे भी है। शंभू केसरी का जीवन भी बागवानी से जुड़ने से पहले संघर्ष का था। छोटे मोटे व्यवसाय पर उनका पूरा परिवार निर्भर करता था। 2017 में बागवानी की शुरुआत की, 3 वर्षों के बाद उन्हें इससे आय प्राप्त होने लगी। वे लगभग 4 एकड़ भूमि में आम, नींबू, मौसमी और अनार की बागवानी करते हैं। भविष्य में रकबा बढ़ाने की उनकी योजना है। वे अपने काम से खुश हैं। हम आप बारे में क्या बताएं, हम तो पहले छोटा मोटा बिजनेस बाजार हाट में कर लेते थे। बहुत मुश्किल से जीवन बसर करना पड़ता था, लेकिन जब से हम लोग बागवानी में घुसे तब से हम लोग को कुछ बेनिफिट दिखने लगा तो हम लोग मनधन से इसी में लग गए और अभी भी कुछ थोड़ा मोड़ा बिजनेस बाजार से कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग जो बाजार उजार करते थे तो आय व्यय वैसा पता नहीं चलता था। 2017 में हम लोग को यहाँ बागवानी मिला। बागवानी मिलने के बाद हम लोग हमारा भाई से शेयर किए, भाई तो बाहर रहते थे, तो फिर मिल के दोनों काम किए और हम लोग को अच्छा बेनिफिट मिलने लगा। वही मोटा मोटी 4 एकड़ का, इसमें आम है, नींबू है, मौसमी है, अमरूद है, अनार है, ये सब लगाए। देखभाल तो इसमें हम लोग नहीं, कुछ खुद से भी कर लेते हैं और नहीं मिलता है तो कुछ एक दो ठो हेल्प भी ले लेते हैं। ये दोनों भाई तो हम लोग फिर बिल्कुल इसी में लगल रहते हैं। 2017 से 2024 में बहुत काफ़ी मुनाफा हुआ। 3 साल के बाद हम लोग को कुछ बेनिफिट मिलने लगा, क्योंकि 2017 में तो हम लोग का बागवानी स्टार्ट हुआ था और 2017 के बाद हम लोग को 3 साल हम लोग सेवा किए धुन के, जो बन पटे कुछ लगाएं, कुछ मिला, उसके बाद बेनिफिट मिलने लगा तो हम लोग की स्थिति बहुत थोड़ा सा सुधार में।
शंभू केसरी दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर आजीविका प्राप्त करने से बेहतर गांव में खेती बाड़ी करने को मानते हैं। शंभू केसरी का मानना है कि सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, ग्रामीण इन योजनाओं का लाभ उठाकर अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। देखिए पलायन से तो आप तो पलायन का बात है तो लोगों की इच्छा है, लेकिन पलायन करने से अच्छा है कि अगर खेती बाड़ी में लग जाए। सरकार तरफ से जो बेनिफिट मिल रहा है अभी तो एक से एक नरेगा मनरेगा वगैरह से आपको बागवानी मिल जा रहा है, उसको करने से हमको लगता है कि बाहर से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। पुरुषोत्तम केसरी अपने भाई के साथ मिलकर वर्ष 2017 में बागवानी की शुरुआत की। खेतीबाड़ी से जुड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण गांव वालों ने उनकी बागवानी के क्षेत्र में सफलता पर संदेह व्यक्त किया। पुरुषोत्तम ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकारा। 300 आम के पौधे लगाए। वर्ष 2019 से लाभ मिलना शुरू हुआ और यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। उनका मानना है कि खेतीबाड़ी एक लाभदायक कार्य है, जितना बड़ा रकबा लाभ भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज से 2017 में जब पहली बार मैं आम बागवानी के लिए सोचा तो गांव वाला ग्राम सभा में भी बोला कि नहीं ये करने सकेगा, क्योंकि मैं उस जाति से हूँ जो किसान नहीं करता है, किसानी नहीं करता है। तो हमको बहुत कोई हंसा भी कि ये बागवानी कर पाएगा, लेकिन उस दिन सोचा मैंने कि नहीं मैं कर पाऊँगा और उस दिन ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा। और हम उसके लिए 2017 में बगान के लिए अप्लाई किए, आवेदन किए ग्राम सभा में, वहाँ से पास हुआ। उसके बाद 300 पीस मैं आम पौधा लगाया 300 पीस आम पौधा लगाया 2019 में पहला बार हमको लाभ प्राप्त हुआ जो 25,000 से 30,000 रुपया का था। उसके दूसरा साल 65,000 रुपया का आमदनी हुआ था, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तीसरा साल 1,25,000 करीब का आमदनी हुआ था इस आम बागवानी में, खर्चा काट करके। और बहुत सगे संबंधी को भी बांट करके दिया आम, बहुत जगह भी भेजे, कहे कि पहला बार आम सबको भेज रहे थे संदेश के रूप में, तो मजा भी आ रहा था। बागवानी के साथ साथ कृषि, पशुपालन और मछली पालन से भी वे जुड़े हैं। वे गोपालन कर रहे हैं और मछली पालन से भी रोजगार प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे हम लोग एग्रीकल्चर से जब जुड़े तो पशुपालन विभाग से भी जान पहचान हुआ, उनसे भी कुछ राय मशवरा मिला तो 2-4 गाय पाल लिए। उसके बाद से तालाब के बारे में सोचे कि भाई तालाब रहता तो मछली का पालन करते। अब तालाब भी बन गया हम लोग का, मछली भी पालन करते हैं। अब एक साल में मछली को अगर चारा दिया जाए तो 1-1.5 किलो का होता है। अगर हम उसमें पूरा ध्यान दें तो हम उससे 6 महीना में कम से कम हम 50,000-40,000 रुपया का एक छोटा तालाब से हम इनकम ले सकते हैं। वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ध्यान देना होगा। विशेष तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, झारखंडी थोड़ा सोचते हैं कि एक बार पैसा आ जाए। उनके बागान में आम के अलावा कागजी नींबू, अनार और एप्पल बेर तथा मौसम्बी के भी वृक्ष उपलब्ध हैं। वे सब्जियों की भी खेती करते हैं। वे खेतीबाड़ी खुद भी करते हैं और कभी कभी मजदूरों के सहयोग से भी करते हैं। 30 पीस नींबू का पौधा, अमरूद का पौधा, अनार का पौधा और एप्पल बेर का पौधा दिया, उसको लगाए। फिर धीरे धीरे मेरे पास जमीन था, हमको उस नींबू को फिर से कलम करके फिर से ट्रांसप्लांट किए। अब नींबू हम लोग का पिछला बार उसका फल तोड़े थे तो 5,000 पीस था उस 30 पौधा में। 5,000 पीस को 1 रुपया करके हम बेचे थे, कहे कि पहला था और सीजन उस समय सेल रेट नहीं था, तो 1 रुपया में 5,000 का बेनिफिट पहला बार आया था। इस बार फिर से नींबू में उम्मीद है कि 10,000 रुपया जरूर आएगा। उसके बाद मौसमी भी दिए हैं, वो मौसमी भी एक नंबर मीठा है, रस भी बहुत बढ़िया है उसका भी, मतलब कि
कभी तो बेचे नहीं उनको, कहे कि फल उस टाइप से नहीं आया था, लेकिन खा करके ट्राई किए थे। दूसरा, हम लोग साग सब्जी का भी खेती करते हैं। पीछे मेरे पीछे लगा हुआ है अभी बैंगन है, मूली है, फिर उसका भी खेती करते हैं, खुद से भी करते हैं, मदद भी लेते हैं, मजदूर भी लगाते हैं। पुरुषोत्तम मानते हैं कि वर्ष 2017 में बागवानी से जुड़ने से पहले उनकी जिंदगी भटकाव की थी। शिमला से लेकर चेन्नई और राजधानी रांची में काम किया, लेकिन वास्तविक सुकून अपने गांव घर में ही मिला। 17 से पहले तो हम बहुत भटके हैं, मतलब बाहर भी गए हैं कमाने के लिए, और वैसा इनकम का साधन नहीं था। कभी रांची, पहले तो चेन्नई गए, उसके बाद हम एक बार घर छोड़ कर के भाग गए थे शिमला के साइड में, उधर साइड में काम करने के लिए। फिर उसके बाद आए तो रांची में काम किए, तो वहाँ मज़ा नहीं है जितना अपना घर में रह करके काम करने में जो मज़ा है, वो कहीं नहीं है। अपना काम करते हुए स्वतंत्र रह के करना, उसका जो मजा है वो कोई चीज़ में नहीं है। पुरुषोत्तम का मानना है कि सहयोग, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण मिले तो वे बर्मी कंपोस्ट के उत्पादन जैसे कामों से भी जुड़ सकते हैं। वे कहते हैं कि पहले कृषि के क्षेत्र से जुड़ने में डर लगता था, लेकिन वे अब बागवानी करने वाले किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तोरपा और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किसान आम की बागवानी करते हैं और उन्हें कृषि वैज्ञानिकों, ब्लॉक और मनरेगा से जुड़े लोगों का सहयोग भी मिलता है। अगर हमको सुझाव मिले कि इस क्षेत्र में, अगर मान लीजिए बर्मी कंपोस्ट के बारे में हमको जानकारी मिला था, अगर उस क्षेत्र में हमको कोई सहयोग करे तो हम उस बर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करेंगे। अब मेरे साथ जितना भी है मेरा सर्कल में, हर कोई चाहता है कि हम किसानी करके बेनिफिट पा सकते हैं। आज की तारीख में वे बागवानी से जो कमाई करते हैं उसे अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, जबकि इस काम में वे अपना ज्यादा समय भी नहीं देते। यही कारण है कि पुरुषोत्तम घर पर रहकर काम करने को सर्वोत्तम आजीविका मानते हैं। वे युवाओं और मजदूरों को खेती बाड़ी से जुड़ने की सलाह देते हैं और उन्नत तथा वैज्ञानिक खेती को ज्यादा आय प्राप्त करने के लिए बेहतर मानते हैं। हाँ, ये तो पार्ट टाइम ही करते हैं, हम पूरा टाइम नहीं देते हैं। इसमें सुबह का 2 घंटा और शाम का 1 घंटा, 3 घंटा ही हम बगान में देते हैं। बाकी समय में हम लोग बाजार करते हैं, जो रेडीमेड का फुटकर बिक्रेता है हम लोग। समय तो खोजना पड़ता है ना सर जी, मिलता नहीं, दोनों काम होता है। ये पार्ट टाइम हम कहेंगे, इसमें फुल टाइम नहीं देते हम। बहुत फायदा हो रहा है, जितना भी इनकम होता है मेरा तो बच जाता है, मेरा दाल रोटी तो वहाँ से चलता है, यहाँ बच जाता है बच्चों के लिए। 2 बच्चे हैं, DAV स्कूल में दिए हैं। हाँ, बस बच्चा का सारा खर्च यहाँ से हम दे देते हैं और कुछ घर के लिए व्यवस्था है। अनिल टोपनो, शंभु केसरी और पुरुषोत्तम केसरी जैसे हजारों लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, जबकि उन्हें वांछित लाभ भी नहीं मिल पाता है। बाहर वे बंधन युक्त जीवन बिताते हैं और अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन वही जब अपने क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, बागवानी या खेती किसानी के अन्य आयामों से जुड़ते हैं तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है, जिंदगी सुकून भरी होती है। इसलिए स्थानीय युवा खेती बाड़ी से जुड़े और पलायन से बचे। स्थानीय स्तर पर खेती बाड़ी से जुड़ाव युवाओं के परिवार और गांव के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। तो आपने देखा कि पुरुषोत्तम केसरी पहले कर्नाटक में और चेन्नई में रहते थे, उसके बाद झारखंड आया, 2017 से इन्होंने जो बागवानी की शुरुआत की, आज इनका बाग, हरियाली और जो पेड़ लहलहा रहे हैं उससे लगता है इनके चेहरे पे जो मुस्कान आई है इसी की बदौलत है। आज अपने बच्चों को DAV जैसे स्कूल में पढ़ाना और साथ ही साथ पूरे घर का खर्च चलाना ये बागवान से हो रहा है। दोनों भाई मिलकर के जितोड़ मेहनत किया और इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम किए हैं, और इस क्षेत्र में 800 एकड़ में जो आम का इन्होंने पौधा रोपण करवाया है, यह आने वाले दिन में
मरचा के लिए एक मिसाल होगा और यहाँ से जब आम एक्सपोर्ट होंगे तो पूरे देश में मरचा का नाम लहराएगा, परचम लहराएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, जोहार नमस्कार। तो देखा किसान भाई बहनों किस तरह से पुरुषोत्तम केसरी ने पूरी तकदीर और तस्वीर गांव की बदल डाली है। और यहाँ पे एक बात मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल उसी तरह का कारनामा इन्होंने कर दिखाया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिखा लिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार।